हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेट डिस्कशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी सेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को इस सेशन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पांच फ्रेंड दे रखे हैं, पी क्यू एक्स वाई जेड एंड, ठीक है। इन्होंने कुछ नोटबुक खरीदी हैं और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये क्या बोल रहा है कि जेड परचेज एट नोटबुक मोर देन एक्स डेट। तो मान लीजिए कि जो एक्स है हमारा, इसने ए नंबर ऑफ नोटबुक खरीद रखी हैं, ठीक है। तो अगर एक्स ने इतना खरीद रखा है तो जेड का कितना नोटबुक हो जाएगा, जेड का जो नोटबुक होगा वो इससे एक्स से उसने एट ज़्यादा खरीदी है, तो एट प्लस ए हो जाएगा। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू टुगेदर परचेज 21, यानी कि पी प्लस क्यू, इन दोनों की नोटबुक को मिला दिया जाए तो इन्होंने टोटल 21 नोटबुक खरीदी हैं। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी डेड, यानी कि क्यू ने पी के कंपैरिजन में 5 कम नोटबुक खरीदी हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से हमारी आ गई। और एक ये क्या बोल रहे हैं कि एक्स प्लस वाई ने मिलकर के 28 खरीदी हैं और पी परचेज 5 मोर नोटबुक दैट एक्स डेड। और इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि पी ने जो नोटबुक खरीदी हैं वो एक्स के कंपैरिजन में 5 ज़्यादा खरीदी हैं, यानी कि एक्स ने कितनी खरीदी थी, ए, तो ए प्लस 5। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हमें इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखिए इसको देखते हैं, क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, हम सिंपली क्यू की वैल्यू रख देंगे। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू जब इधर रखेंगे तो हो जाएगा पी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 21, यानी कि ये हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू 26, 5 उस साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमारी पी की वैल्यू आएगी वो 13 आ जाएगी, यानी कि पी ने 13 नोटबुक खरीदी हैं। अगर पी ने 13 नोटबुक खरीदी हैं तो इसका मतलब है कि क्यू ने कितनी खरीदी होंगी। इस इक्वेशन में 13 वैल्यू रख दीजिए, क्यू इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5, यानी कि क्यू इज इक्वल टू 8, यानी कि क्यू ने 8 नोटबुक खरीदी हैं। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि हमें पी का पता है कि पी ने 13 नोटबुक खरीदी हैं और ए प्लस 5 ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 5, यानी कि ए ने कितनी नोटबुक खरीदी हैं, 8 नोटबुक खरीदी हैं। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स, यानी कि एक्स ने 8 नोटबुक खरीदी हैं। अब एक्स की वैल्यू पता चल गई कि एक्स ने 8 नोटबुक खरीदी हैं, तो जेड ने कितनी खरीदी होंगी, 8 प्लस 8, यानी कि जेड ने जो नोटबुक खरीदी है वो है हमारी 16। अब हमें क्या पता चल गया, पी क्यू जेड एक्स, लेकिन वाई पता नहीं है। तो एक रिलेशन दिया है कि एक्स और वाई ने मिलकर के कितनी नोटबुक खरीदी है, 28। तो एक्स और वाई ने जब 28 खरीदी हैं और एक्स का हमें पता है कि 8 नोटबुक खरीदी हैं, तो वाई की कितनी हो जाएंगी, 28 माइनस 8, यानी कि वाई ने जो है 20 नोटबुक खरीदी हैं। तो अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर नोटबुक का प्राइस, एक नोटबुक का प्राइस 40 रुपीज़ हो तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा सारे नोटबुक का। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पी ने 13 खरीदी, क्यू ने 8 खरीदी, इसके बाद एक्स ने 8 खरीदी, वाई ने 20 खरीदी, जेड ने 16 खरीदी है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी कि टोटल 65 नोटबुक हैं और एक नोटबुक का प्राइस है 40, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2600, यानी कि टोटल जो कॉस्ट होगा इन सारी नोटबुक का वो हो जाएगा 2600। डैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपने घर से किसी गांव को जाता है, तो जब वो घर से निकलता है उस समय 2:30 का टाइम था, जब गांव में पहुंचता है तो उस समय 3:15 हो जाते हैं, और उधर वो 25 मिनट स्टे करता है, और वो 25 मिनट स्टे करने के बाद वो जो है घर पे वापस आ जाता है, लेकिन जिस रूट से आता है वो रास्ता 1.25 टाइम्स था ओल्ड रास्ते के, और वो ट्वाइस स्पीड से चलता है, यानी कि जितनी स्पीड उसकी जाने में थी उससे डबल स्पीड से वो वापस आता है और घर पे 4 बजे पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि घर के कंपेरिजन में गाँव की जो क्लॉक है वो कितना स्लो है, फास्ट है या क्या है, वो आपको बताना है। तो देखिए सिंपली आप देखिए कि जब वो घर से कितने बजे निकल रहा है, 14:30, और वापस आ रहा है कितने बजे, 16, यानी कि टोटल उसको 90 मिनट लग रहा है ना इस पूरे प्रोसेस में,
जाने में आने में 90 मिनट टोटल लग रहा है। अब इस 90 मिनट में आप ये भी देखिए कि वो जो है 25 मिनट रेस्ट भी कर रहा है, यानी कि अब टोटल उसको टाइम लग रहा है 65 मिनट। अभी हमें 65 जो है टोटल टाइम है आने का और जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जब वो पहले रूट से जाता है तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फर्स्ट केस में लगाते हैं कि पहले उसकी स्पीड मान लीजिए S1 है जब वो जाता है, और उस समय जो डिस्टेंस है वो X1 है, और अभी जो है टाइम उसको T1 लग रहा है, सिंपली ऐसे बोल सकते हैं हम। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि दूसरे केस में उसकी स्पीड मान लीजिए S2 है, टाइम डिस्टेंस जो है वो X2 है और टाइम जो है T2 है, लेकिन कंडीशन उसने क्या दी है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी समझना है। वो हमसे ये बोल रहा है कि पहले रूट जब वो उसकी जो स्पीड है मतलब S2 की जो वैल्यू है वो 2S1 है, यानी कि उसकी स्पीड सेकेंड राउंड में डबल है पहले की स्पीड से, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो डिस्टेंस है यानी कि जो X2 है दैट इज इक्वल टू 1.25 X1, क्योंकि पहले जो लेंथ थी उसकी लेंथ का 1.25 टाइम्स है। तो इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे और देखेंगे टाइम निकाल के देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए इसको हम रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में और देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए अभी क्या है, हमें ये जो इक्वेशन दिया है इसको हम रख देते हैं इस वाले में S2 में। तो S2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2S1 इज इक्वल टू 1.25 X1 अपॉन T2, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एक काम कीजिएगा यहाँ से, हाँ T2 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1.25 X1 अपॉन 2S1, यही हो जाएगी ना T2 की वैल्यू। अब देखिए ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इससे आप देखिए, अगर इस वाली इक्वेशन से हम T1 निकालने की कोशिश करें तो देखिए T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली X1 अपॉन S1। ये T1 की वैल्यू अब हम इसमें रख देंगे सिंपली, तो हमारा क्या बन जाएगा कि T2 का जो वैल्यू है वो सिंपली 1.25 अपॉन 2, और जो X1 अपॉन S1 है ना इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, T1। यानी कि ये हमारा एक टाइम में रिलेशन आ गया कि T2 जो है वो T1 के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि उसने कहा है कि टोटल टाइम जो हमारे पास है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो है 65 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, T2 की वैल्यू पता है, तो हम पहले T1 की वैल्यू निकालते हैं इससे, T2 का वैल्यू रख के अपॉन 2 × T1 इज इक्वल्स टू 65। अब देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.25 अपॉन 2 T1 इज इक्वल्स टू 65। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो T1 का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मिनट। अगर T1 40 मिनट है तो T2 कितना हो जाएगा, 25 मिनट। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वो पर्सन जब घर से निकलता है उस समय 14:30 मिनट उसकी घड़ी में रहते हैं, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसको पहली जर्नी करने में 40 मिनट लगता है, यानी कि थ्री नहीं, इसको एक्चुअली 15 के टर्म में दिया है इन्होंने, 24 आवर्स का दिया है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसमें 40 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाना चाहिए 15:10, है ना। तो 15:10 पे उसको विलेज में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो विलेज में कितने बजे पहुंचा है, 15:15 पे। इसका मतलब क्या है कि विलेज की जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे है, क्यों, क्योंकि अगर होम की घड़ी से देखा जाए यानी कि उसके घर की घड़ी से देखा जाए तो उसको इस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उसका जो वहाँ पे जो टाइम था विलेज में वो 15:15 था। इसका मतलब हुआ कि वो 5 मिनट आगे तभी 15:15 रहेगा। तो इसका सिंपली जो आपका आंसर है कि ये जो विलेज की जो क्लॉक थी ये 5 मिनट फास्टर थी, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पर्सन है एक्स जो कि ए बी सी डी ई एंड एफ 6 लोगों को कुछ पेन देता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ए को वो जितने पेन देता है बी को उसका आधा देता है, सी को उसका 1/3 देता है,
डी को उसका 1/4 देता है, इसी तरीके से ई को 1/5 और एफ को 1/6। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एफ के पास जितने पेन हैं, ए के पास उसके 6 गुने पेन हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन, कि आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन चाहिए, खरीदने चाहिए, जिससे कि हर किसी को इवन नंबर ऑफ पेन मिल जाए। यानी कि ए बी सी डी ई एफ को इवन नंबर ऑफ पेन मिलने चाहिए। तो ऐसे कितने पेन वो खरीदे टोटल कि ये कंडीशन फुलफिल हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमें कंडीशन दी है उसको हम देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए के पास जेड नंबर ऑफ पेन है, ठीक है। तो इसका मतलब बी के पास कितना हो जाएगा, ZY2। सी के पास कितना हो जाएगा, ZY3, है ना, क्योंकि सी का 3 गुना है ए के पास। डी के पास कितना हो जाएगा, ZY4। ई के पास कितना हो जाएगा, ZY5। और एफ के पास कितना हो जाएगा, ZY6। अब देखिए, हम जब भी ऐसी बात करते हैं कि हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले कि ये कॉमन फैक्टर आए इनका, आप समझो, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे कॉमन फैक्टर आनी चाहिए, है ना, तभी तो वो डिवाइड होगा। आपको इवन नंबर चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए वो जो 6 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, तभी तो इन्हें एक पेन मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आप इसकी वैल्यू कुछ ऐसी चूज कर लेते हैं जो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो उसको मतलब इंटीजर में पेन ही नहीं मिल पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी हम बोलेंगे कि सी को 1.5 पेन मिला, ये मतलब वैलिड नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इनका एलसीएम ले लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1, 1, 1, 2, 5, यहाँ पे 3 आएगा और 3। इसके बाद फिर एक बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, है ना। अभी 3 से कर दीजिए तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 बच जाएगा केवल, और फिर 5 से कर दीजिए तो सब 1, 1, 1, 1 हो जाएंगे। तो अभी देखिए, ये इसका हो गया 19, 19, ठीक है, ये आ जाएगा 60। यानी कि इसका एलसीएम 60 आ गया है, यानी कि 60 तो मिनिमम पेन इसको खरीदने ही होंगे जिससे कि सबको इंटीजर मिल जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या 60 खरीदने के बाद भी ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। तो मान लीजिए आपने 60 पेन खरीद लिए, तो जब आप 60 पेन एफ को एफ में मतलब जेड की वैल्यू 60 एफ में रखोगे तो क्या आ जाएगा। देखिए, ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पे 60 रखते हो, तो इसके पास 60 पेन हो जाएंगे, इसके पास 30 हो जाएंगे, इसके पास 20 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, इसके पास 12 हो जाएंगे और इसके पास 10 हो जाएंगे। लेकिन इस केस में आप देखिए कि सब कुछ, ये भी इवन नंबर है, 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 बस ये एक केवल ऑड नंबर है। तो ये तो वो बोल ही नहीं रहा, वो क्या बोल रहा है कि हर किसी को इवन नंबर ऑफ पेन मिलने चाहिए। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एलसीएम है उसको सिंपली आप इंक्रीज करते जाओ। तो सबसे पहले उसमें आप क्या कर सकते हो, 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आएगा, 120। यानी कि आप 120 ट्राई कीजिए, तो 120 जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120। इसको फिर मिल जाएंगे कितने, 60। इसको कितने मिल जाएंगे, 40। इसको कितने मिल जाएंगे, 30। इसको कितने मिल जाएंगे, 24। और इसको कितने मिल जाएंगे, 20। तो सिंपली अब सब हर किसी को इवन नंबर है, और आप इसको जब सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 294। यानी कि उसको एक्स को 294 टोटल नंबर ऑफ पेन खरीदने पड़ेंगे जिससे हर किसी को इवन नंबर ऑफ पेन मिल जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में अब हमारा स्टेटमेंट वाला है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बेस पे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सब लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो जानते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो आप 6 लोग बना लीजिएगा इस तरीके से। आपने मान लीजिए 6 लोग बना लिए, इक्वल डिस्टेंस नहीं है फिर भी 6 लोग हैं अपने। तो क्या बोल रहा है कि बी इज़ सिटिंग अपोजिट टू सी। मान लीजिए बी इधर बिठा दिया तो सी इसके अपोजिट हो जाएगा। एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, यानी कि डी कहीं पे होगा तो उसके अपोजिट ई है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। और देखिए, इससे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ
कि चूंकि इन 6 लोग हैं तो बी के अपोजिट सी है और डी के अपोजिट ई है, तो डेफिनेटली ए के अपोजिट एफ हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। उसने बोला है कि एफ इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखिए बी सेंटर को फेस कर रहा है, तो जब कोई चीज़ सेंटर को फेस करेगी तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एफ इसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। और डी इस तरीके से हमें ये तीनों क्या है, अपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के। तो देखिए बी का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि बी सेंटर को फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, यानी कि एफ, एफ इधर बैठा है, तो एफ इधर बैठा है तो ए इधर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसके अलावा क्या है बचा हुआ है, डी एंड ई। तो देखिए या तो यहाँ पे डी अगर यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आएगा, और अगर ई यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ पे आएगा, क्योंकि और कोई हमें कंडीशन दी नहीं है, हमारे पास ये दो ऑप्शन ही बचे हैं। तो डी अगर इधर रखेंगे तो ई इधर रखना पड़ेगा, ई इधर रखेंगे तो डी इधर रखना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो देखिए ए का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा, तो इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में या तो डी है या ई है, इसका मतलब क्या है कि दो पॉसिबिलिटी बन रही। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन को सही से आंसर नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे में आपको केवल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, क्या ए के लिए इमीडिएट लेफ्ट या तो डी है या ई है, ऐसा नहीं, कोई एक होना चाहिए, डी या फिर ई, कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, केवल एक ही सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और वैसा है नहीं इस केस में, दो सिचुएशन बन रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी की स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या बोलता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज बतानी है हमें कि उसकी एज क्या होगी। हमसे पूछा गया है, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर, अपनी मदर से 24 साल छोटी है। अगर हम मान लें कि मनीषा की एज जो है एक्स है, तो मनीषा के मदर की एज क्या हो जाएगी, मनीषा के मदर की एज जो है हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम सिंपली x+24 लिख सकते हैं, ठीक है, x+24 हो जाएगा ये, क्योंकि वो 24 साल बड़ी है उससे। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद मनीषा की एज और उसकी माँ की एज का जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा, यानी कि मनीषा की आज की एज कितनी है एक्स, और 5 साल की बात कर रहा है तो 5 से ऐड कर दीजिए, और उसकी माँ की एज कितनी है आज, x+24 और 5 साल बाद ये, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें आपस में तो 3:5 का रेशियो आएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। तो अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, तो ये क्या हो जाएगा, 5x+25, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 3x+, ये 29 में 3 का मल्टीप्लाई आप सिंपली कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 87, है ना। x इधर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू जो हमारा 62, यानी कि x इज इक्वल टू 31, यानी कि x की वैल्यू 31 आ गई। इसका मतलब क्या है कि मनीषा की एज 31 आ गई, और जो कि एग्जैक्ट है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 31 भी हो सकती है, 30 हो सकती है, या कुछ, दो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, और ये दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से आया है। तो हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर इन दो स्टेटमेंट से दिया जा सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला ही है। अभी इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पे 6 लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर 1 आवर का होता है, जो 8 बज कर के दोपहर के 2 बजे तक चलता है, सुबह के 8 से दोपहर के 2 तक चलता है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा लेक्चर 3rd नंबर पर आएगा। अब हमें स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट इसको आंसर कर पाएंगे या नहीं। तो इसने क्या बोला कि लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाई ए, यानी कि कोई एफ लेक्चर है
उसके पहले होता है लेक्चर ए और उसके बाद होता है लेक्चर सी, क्योंकि सी उसको फॉलोड कर रहा है, ए प्रेसिडेड कर रहा है। एंड देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, इसका मतलब है कि देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गया, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बी इज दी लास्ट लेक्चर। तो अब देखिए थर्ड लेक्चर हमसे पूछा है, तो हमारे पास अब क्या बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, क्योंकि देखिए बी तो लास्ट है, अभी इससे पहले पांच लेक्चर आने हैं, तो हम इस पूरे सेट को उठा के ही इधर रख दें, है ना, इस पूरे सेट को उठा के अगर हम इधर रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ ए ये सिक्वेंस, और यहाँ पे जो बच गए हैं क्या बच गया है हमारा, डी और ई, तो डी और ई इधर पहला हो गया, मतलब पहले पीरियड में डी फिर ई उसके बाद ए, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा थर्ड लेक्चर होगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं, हम मान लीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये कह सकते हैं कि डी फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद एफ होता है, उसके बाद सी होता है, ई बाद में होता है और बी सबसे लास्ट तो है ही, तो इस समय हमारा एफ जो है वो थर्ड लेक्चर हो जाएगा। और भी इसको वेरी कराते हैं थोड़ा, अभी देखिए अब हम बोलेंगे कि ए से ही स्टार्ट होता है, ए एफ सी डी ई और बी, इस तरीके से सीक्वेंस है, तो इस समय सी हो जाएगा हमारा थर्ड लेक्चर। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो क्या होगा कि इसको हम आंसर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे कि थर्ड लेक्चर कौन सा होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और हमारा स्टेटमेंट जो है जो आंसर है वो डी नंबर का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपके पास ए बी सी करके एक थ्री डिजिट का जो है एक नंबर है, जिसका जो सम है आप कह सकते हो थ्री डिजिट का जो सम है वो एक्स है, ऐसा दिया गया है, और कोई भी जो है रिपीटेशन नहीं है, मतलब ए बी सी जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि अगर हम एक्स का जो सम आ रहा है हमारा, जो पॉसिबल सम है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो वो जो सम है हमारा फोर डिजिट का लीस्ट नंबर आएगा, मतलब जो लीस्ट सम है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यूज़ को लेकर के जोड़ें, या फिर हम जो भी कहें कि थ्री डिजिट के जो हमारे कोई भी हमने तीन रैंडम डिजिट ले लिए, उनसे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं उनका यूज करके जब हमने कोई नंबर बनाया, तो उसका जो सम आएगा वो फोर डिजिट का आएगा, और वो सबसे कम होगा, मतलब लीस्ट वैल्यूज़ होगी वो एक्स की, एक्स की सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब एक्स उससे ज़्यादा ही होगा, एक्स का जो मतलब और सम होगा वो ज़्यादा होगा, अभी देखेंगे कैसे। और थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये बोल रहा है कि जो सम होगा वो थ्री डिजिट में आएगा, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू इतनी होगी, थ्री डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू इतनी होगी। तो अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। देखिए नॉन जीरो डिजिट बोला है सबसे पहले, तो जीरो तो नहीं ले सकते, तो ऑप्शन हमारे पास है 1, 2 और 3, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है। अब इससे देखेंगे हम कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो देखिए पहला अरेंजमेंट तो यही हो जाएगा कि 1, 2, 3, 1 को हम फिक्स रखेंगे, 2, 3 को हमने वेरी किया, अभी इससे एक और बन जाएगा, वो हो जाएगा 3, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे और 1 और 3 को वेरी कराएंगे, तो 1, 3 और 2, 3, 1, ठीक है। इसके बाद अब हम 3 को फिक्स करेंगे, तो 1 और 2 को वेरी कराएंगे और फिर 3, 2, 1, तो ये अगर हम ये तीन डिजिट ले लें तो हमारे ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इन तीन डिजिट से 6 नंबर बन सकते हैं थ्री डिजिट के। तो अब हम जब इनको एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, 3, 3, 2। इसका मतलब क्या है कि हमने जो मिनिमम वैल्यू ली है डिजिट की, उससे जो हमारा सम आ रहा है वो फोर डिजिट के सबसे लीस्ट नंबर है, क्योंकि इससे कम और कुछ नहीं हो सकता, और इनका जो सम है वो थ्री डिजिट में तो आ ही नहीं सकता। तो देखिए ऑप्शन जो सेकंड है हमारा, ये तो वैसे ही जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्री डिजिट में तो आ ही नहीं सकता, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है जीरो नहीं लेना है, जीरो होता तो शायद हो सकता था, लेकिन चूंकि जीरो नहीं है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऑप्शन बच जाएगा, यही ऑप्शन बच जाएगा कि फोर डिजिट का लीस्ट वैल्यू है। अब लीस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए आपने अगर मान लीजिए 2, 3, 4 ले लिया तो फिर वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा आ जाएगी, है ना, अगर आप इस इन तीन डिजिट को लेकर के नंबर बनाएंगे तो वैल्यू इनसे कहीं ज़्यादा आ जाएगी, तो मिनिमम यही है, क्योंकि मिनिमम डिजिट भी यही है 1, 2, 3, रिपीटेशन होना नहीं है, रिपीटेशन होता तो आप 1, 1, 1 ले लेते, या कोई डिजिट को रिपीट करा सकते थे, लेकिन वैसा उसने कुछ नहीं कहा है, तो इसीलिए हमारे पास सबसे मिनिमम जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो यही होगा, और इसका जो सम है वो 1, 3, 3, 2 होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आपको एक पिन बनाना है थ्री डिजिट का, ठीक है,
जिसमें आपके पास डिजिट हैं 1 to 7 तक। 1 to 7 आप यूज कर सकते हो, कोई भी चीज़ रिपीटेशन नहीं होगा। और जो डिजिट हैं इस पिन के, जो 3 डिजिट का है, वो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, यानी कि पिन हमारा मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, तो जब आप इस तरीके से मूव करोगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब कि पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और एन की वैल्यू सबसे कम होगी हर सिक्वेंस में। जो भी आप पॉसिबल अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा और एन की वैल्यू सबसे कम होगी। और दूसरा भी वो क्या बोलता है कि एटलीस्ट जो एनी टू डिजिट, मतलब कि अगर हमने पी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 ली, तो आई की वैल्यू हमें फोर्सफुली 3 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 2 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए 2 डिजिट के बीच में, है ना। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिफरेंस जो है वो जो है 2 का होना चाहिए, और कोई भी डिजिट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और डिजिट हमारे पास है 1 to 7। तो देखते हैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम 7 को ले लेते हैं, तो 7 के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं और यहाँ पे 3 ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 ले लिया, तो देखिए 5 के साथ जब हम 3 को ले रहे हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे हम फोर्सफुली हमें 5 लेना ही पड़ेगा, मतलब मिनिमम 5 ले सकते हैं, हम 6 नहीं ले सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर डिजिट में 2 डिजिट के बीच में हमें 2 का डिफरेंस चाहिए, तो हम 5 ही ले सकते हैं। 5 के अलावा हम 4, 3, 2, 1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 5, 6 नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर यहाँ पे 5 लिया है, तो हम यहाँ पे मिनिमम 3 ले सकते हैं, 3 से मतलब 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 का डिफरेंस नहीं होगा। 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी तो यही बन गई 5 को लेकर के। अब चलते हैं थोड़ा और आगे कि अब मान लीजिए हमने 7 ले लिया, तो यहाँ पे हम अब 4 को फिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तो ले सकते हैं, 3 का डिफरेंस है, एटलीस्ट 2 का होना चाहिए, 2 से ज़्यादा आप कितना भी डिफरेंस ले सकते हो। तो हम देखिए फोर्सफुली हमें, अगर हमने यहाँ पे 2 लिया है, तो हम यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, 3, 5, 6 ऐसा कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। ये भी हमें ध्यान देना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, और 2 और 1 तो 2 पॉसिबिलिटी ये बन गई हैं। और आगे चलते हैं, अभी देखिए अब 7 के साथ और हम क्या ले सकते हैं, 3 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 3 के साथ हमें फोर्सफुली 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 का डिफरेंस है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई है 6। अभी तो हमने 7 स्टार्टिंग में लिया था, अब हम एक बार 6 को लेके भी देखेंगे स्टार्टिंग में कि वैसा भी कुछ बनता है क्या। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने 6 को लिया, तो हमें फोर्सफुली दूसरे डिजिट पे क्या लेना पड़ेगा, 4, है ना। तो ये हमारा दूसरा डिजिट हो जाएगा, और जो थर्ड पे होगा वो हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 और 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 है तो 2 का डिफरेंस चाहिए, तो 2 तो हम मतलब 2 फोर्सफुली लेना है, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 का डिफरेंस, 3 नहीं ले सकते हैं और 5, 7 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। अब 6 के साथ हम 3 भी ले सकते हैं, 3 के साथ हमारा 1 ही आएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये टोटल जब 6 को लिया, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारी, तो 9 हो गई। अभी और देखते हैं 5 को लेके कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या। 5 को अगर लेंगे तो हमें फोर्सफुली इधर 3 लेना पड़ेगा और फोर्सफुली इधर 1 लेना पड़ेगा, तो ये केवल एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि अब इधर आप 2 नहीं ले सकते, 2 लोगे तो इधर 0 लेना पड़ेगा, 0 हमारे पास है नहीं। 4 के साथ भी कुछ बनेगा, 4 के साथ ट्राई करते हैं, 2 इधर आएगा, 2 के बाद 2 का डिफरेंस 0 आएगा, तो 0 तो हमारे पास है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटी है, 6 यहाँ से है, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से है, तो टोटल हमारे पास 10 पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि हम 10 तरीके से इस पिन को बना सकते हैं। और हमारा इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसके लिए हो जाएगा सी, क्योंकि सी में ही 10 दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एक आपके पास सर्किल है, जिस सर्किल पे 8 पॉइंट हैं, और वो भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, मतलब कि सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है आपके पास। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन इफ यूजिंग दिस पॉइंट एज अ वर्टिक्स एंड टेकिंग द डायमीटर एज अ वन साइड ऑफ ट्राइंगल।
मतलब आपके पास ये जो 8 पॉइंट हैं इनको आपको यूज करना है, और एक जो साइड होती है जैसे ट्राइंगल हमारा इस तरीके से आता है, तो ट्राइंगल की जो साइड है एक साइड आप कोई भी जो है डायामीटर को ले सकते हैं, बाकी की दो साइड आपको इसी जो पॉइंट दिए हैं ये 8 पॉइंट जिनको हमने वर्टिक्स बोला है इनका यूज़ करके आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो ऐसे कितने पॉसिबल ट्राइंगल बन सकते हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आप एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पे 8 पॉइंट है यानी कि ये एक हो गया, ये दो हो गए, चार हो गए, और ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, और ये हमारे 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, हम सिंपली नंबरिंग कर देते हैं, ए बी ये डायामीटर है, सी डी, उसके बाद ई एफ, और ये हो गया जी और एच। अब हम ट्राई करते हैं जो पूछ रहा है हमसे कि वर्टिक्स और उसको लेकर के हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लीजिए, मान लीजिए ए बी डायामीटर को हम लेते हैं, तो ये भी हमारा एक ए बी डायामीटर, ये एक मतलब साइड हो गई ट्राइंगल की। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे ऐसे, और इसको डायरेक्टली हम बी से जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये जो एंगल है ये 90 का एंगल होगा, तो एक राइट एंगल ये बन गया। अगर ये उधर बनेगा तो इस साइड भी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये थोड़ा मतलब हिल रहा है वो चलेगा, राइट एंगल ही बनेगा अगर आप एग्जैक्टली बनाएंगे तो। ये तो दो तो ये बन गए, और देखते हैं और पॉसिबल हैं क्या। तो देखिए अभी फिर इसको ए को और एच को लेके हम बना सकते हैं, ए और एच को हमने इस तरीके से ले लिया, इसको अब हम बी से ऐड कर देंगे, और ये जो हमारा है ये तो एक डायामीटर एक साइड की तरह काम करेगा ही, और ठीक इसी तरीके से इस और इसको भी लेंगे, और ये भी जो है 90 ही बनेगा, आप जब इसको एग्जैक्टली बनाएंगे तो 90 का ही एंगल आएगा, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल हमेशा 90 आएगा, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, दो इससे हो गए, दो इससे हो गए चार, और देखते हैं और बन सकते हैं क्या। तो देखिए अब एफ को लेकर बना सकते हैं, ए और एफ को भी लेकर के, तो ए एफ और बी इसको मिला दिया, और एक तो ये हमारा है ही, और ठीक इसी प्रकार से ए और डी को मिलाएंगे और इसको बी से मिला देंगे। तो इस हिसाब से हमारे कितने 6 जो है ट्राइंगल बन गए एक डायामीटर को लेकर के। एक डायामीटर को लेकर के अगर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसी तरीके से अभी हमने ए बी को लिया है, ए बी की जगह हम किसको ले सकते हैं, सी डी को ले सकते हैं, तो उससे भी 6 बनेंगे, फिर ई एफ को भी ले सकते हैं और जी एच को भी ले सकते हैं, तो उन सबसे भी 6 बनेंगे, यानी कि इससे 6 ट्राइंगल 4 टाइम्स बनेंगे, यानी कि 24 ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, क्योंकि 24 ए में ही दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि भाई किसी काम को 24 मैन और 12 वुमेन जो है 30 डे में कर सकते हैं, यानी कि 24 मैन 24 वुमेन प्लस 24 मैन, है ना, 24 मैन एंड 12 वुमेन किसी काम को 30 डे में कर रही हैं। तो आपसे सिंपली पूछा गया है कि इन हाउ मैनी डेज 12 मैन एंड 24 वुमेन विल डू दैट वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें डाटा ही नहीं दिया सफिशियंट, आप देखिए क्योंकि इस एक बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास देखिए एक रिलेशन और होनी चाहिए थी, अगर एक रिलेशन और होता तो आप देखिए जैसे दो रिलेशन होते W और M में, आप इसको एक हिसाब से एक्स वाई की तरह ट्रीट कीजिए कि 24 M, ठीक है, अगर इसको आप एक्स वाई की तरह ट्रीट करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तभी जा करके हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन दी है तो हम इसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे कि डाटा इज़ इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ऐसे क्वेश्चनों में भी हमें मतलब थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको फंसाने के लिए कि आप उसमें टाइम वेस्ट करें, और उसका रिजल्ट तो सिंपली है कि डाटा इज़ नॉट सफिशियंट, है ना, तो बी केयरफुल। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि एक आपके पास एक सीरीज दे रखी है,
इस सीरीज को अगर हम 1, 2, 6, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखिए, सबसे पहले बेटर है कि 1, 2, 6, 1 को ही आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसके फैक्टर पता चलेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ बचेगा या क्या कैसे कट होगा, तभी हम रिमाइंडर को जो है अच्छे से बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इसको पहले फैक्टर कीजिए। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से जा सकता है क्या? 6, 2, 8, 1, 9, 10, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 11 से भी नहीं जाएगा, इसको हम 13 से देंगे सिंपली, है ना? तो जब आप 13 से दोगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा, और फिर दूसरी बार जो है वो 7 टाइम्स जाएगा, है ना? तो फिर जो है 97 से दे दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो फैक्टर आएगा वो 97 और 13 आएगा। तो आप देखिए, इससे आपको डिवाइड करना है इस पूरे सीक्वेंस को। तो देखिए, सबसे पहले तो 97 से 97 आप कट ही कर दीजिए, क्यों डिवाइड करना है? 13 है तो इससे ये भी कट हो जाएगा, है ना? अब ये 7 बार चला जाएगा, तो आप देखिए आपके आपको किससे डिवाइड करना है? एक्चुअली हम कह सकते हैं 1 से डिवाइड करना है। जब आप किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? पूरा चले जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 0। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कि इतना मल्टीप्लाई कर कितने से डिवाइड करना है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करना था आपको, उसके फैक्टर निकाल के सिंपली उसको कट डाउन करना है और आंसर आपका आ जाएगा 0। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपके पास क्या एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या करना है, इसको तोड़ करके एक 4 स्क्वायर सीट बनानी है, और आपको 10 ट्राइंगुलर सीट बनानी है, वो भी इक्वल एरिया की। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इसने बोला है कि ट्राइंगुलर जो सीट आपको बनानी है उनका एरिया इक्वल होना चाहिए, और जो आपको स्क्वायर सीट बनानी है उसके एरिया की कुछ बात नहीं की, यानी कि स्क्वायर सीट आप किसी भी एरिया के बना सकते हैं, बट वो स्क्वायर होने चाहिए और 4 होने चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास एक सीट है कुछ इस तरीके से, ये रही हमारी एक रेक्टेंगुलर सीट जिसकी एक ये साइड है 8 और ये वाली साइड हो गई 20। क्या हम इसको 4 स्क्वायर में तोड़ सकते हैं या नहीं? तो देखते हैं, देखिए 4 स्क्वायर में अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास सेम लेंथ और सेम जो है ब्रेथ होनी चाहिए दोनों की। तो हम एक काम करते हैं, ये 20 है, इसको हम अगर हम 8 8 में डिवाइड कर लें, जैसे देखिए ये भी 8 और ये भी 8 इस तरीके से, तो अभी ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई ये 8 हो गई और ये 8 हो गई और ये बच गई है 4, और चूंकि हमारी ये भी 8 है पहले से ही, ये भी 8 है, तो देखिए ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। तो ये तो हमारे 2 स्क्वायर बन गए जिनकी मतलब साइड इक्वल हो गई है। अभी हमें 2 स्क्वायर और बनाने, तो क्या बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल है ऐसा करना, क्योंकि देखिए ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 4 है, तो अभी इसको जब ऐसे कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा 4 का स्क्वायर बन गया जिसकी लेंथ एक साइड 4 है और इसका भी एक साइड 4 है, तो ये 2 4 वाले बन गए और 2 8 वाले बन गए। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा कि हाँ, इस सीट से हम 4 स्क्वायर बना सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम इससे 10 ट्राइंगुलर सीट बना सकते हैं, वो भी इक्वल एरिया के? तो फिर से हम इसी को बनाते हैं, एक बार देखेंगे बना सकते हैं या नहीं, पॉसिबल है या नहीं है। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसकी साइड है 20 और 8, 20 और 8। अगर हमें सेम एरिया चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी ट्राइंगल आएंगे वो सेम ट्राइंगल होने चाहिए ऑलमोस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम इजीली 5 में तोड़ देते हैं, 5 हिस्सों में अगर हम इसको बांट देंगे 20 वाली लेंथ को, तो हर एक की जो लेंथ बचेगी वो 4 आ जाएगी, यानी कि अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है,
और ये है एट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एट है ये फोर है, अगर हम इसको बीच से भी डिवाइड कर दें ऐसे इस तरीके से तो हमारे देखिए 10 ट्राइंगल बन जाएंगे और वो भी इक्वल एरिया के हैं या नहीं ये हम देखते हैं अभी। अब देखिए ये जो इसका देखिए एक साइड फोर है, दूसरा साइड एट है और एक ये साइड है जो इन दोनों का कुछ मिक्सचर होगा, और सेम इसमें भी ये भी फोर है ये भी एट है और ये तो कॉमन है, और ऐसा हर में रिपीट, हर एक पार्ट में ऐसा ही रिपीट हो रहा है, ये एट है ये फोर है, अगेन ये एट है ये फोर है और ये तो कॉमन है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 10 ट्राइंगुलर भी बन गए और जिनका एरिया भी इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी पॉसिबल हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट भी पॉसिबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि बोथ वन एंड टू आर पॉसिबल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आपके पास एक नंबर है एक्स जिसका 70% आप अगर दूसरे नंबर में ऐड कर देते हो, वो नंबर है वाई, तो जो उसका सम है वो 165% हो जाता है वाई के, यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि आपको 70% जो है एक्स का निकालना है और उसको वाई में ऐड कर देना है, तो आपका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 165% ऑफ वाई। एक तो हमसे ये बोला है, दूसरा हमसे क्या बोला है कि अगर हम 60% ऑफ एक्स को ऐड कर दें दूसरे नंबर जेड में तो इसका सम भी 165% ऑफ जेड हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि इनमें से जो सीक्वेंस दिया है कि किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये हमें बताना है। हम इसको सिंपली इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर टू बोल सकते हैं। अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन इक्वेशनों को हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो इसको हम देखिए 70 को 0.7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 70% है ना, तो 70/100 आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 ही आ जाएगा, तो 0.7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1.65y। अब वाई को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7x इज इक्वल टू, ये 22 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0.65y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का रेशियो ले लेंगे, तो x इधर है, वाई को इस साइड ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.65/0.7। तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपली तो ये हमारा हो जाएगा 65/70 जो कि 1 से कम है, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स और वाई है ये 1 से कम है ना, तो एक्स अपॉन वाई इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि एक्स लेस देन वाई ये हो जाएगा, वाई को उस साइड पहुंचा देंगे तो एक्स इज़ लेस देन वाई, यानी कि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो एक कंडीशन हमारी ये बन गई, हम इसको तीसरा इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं जिसमें बोला था 60% एक्स का जो है हमारे, अगर उसको जेड में जोड़ेंगे तो 165% हो जाएगा जेड का, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया है तो ये हमारा फिर से हो जाएगा कितना, 0.6x% है ना, प्लस जेड इज इक्वल टू 1.65z। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6x जेड को साइड ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 0.65z। अब हम फिर से रेशियो निकाल लेंगे एक्स अपॉन जेड का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.65/0.6, इसको हम जीरो भी लिख सकते हैं आगे। अब हम इसको सिंपली देखेंगे तो ये जो है 65/60 आ जाएगा जो कि 1 से बड़ा है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन जेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो जेड से बड़ी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी फोर हो गई। अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो थर्ड में क्या बोल रहा था कि एक्स इज लेस देन वाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन जेड, यानी कि एक्स जो है जेड से तो बड़ा है लेकिन वाई से छोटा है, तो इस इक्वेशन ये वाली हमारी रिलेशन जो है आंसर में आ जाएगी।
तो ऐसा आंसर कौन सा है देख लेते हैं एक मिनट। तो हमारा ऐसा आंसर है, ऑप्शन है ए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि 80% जो है वोटर जो है वो वोट देते हैं, और बाकी इसमें कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है इस 80% में, और कोई भी वोट मतलब नोटा का ऑप्शन नहीं है। नोटा मतलब कि कोई भी आप वोट देने जाएंगे तो आपको किसी ना किसी को वोट देना ही पड़ेगा, आपके पास ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दी अबव ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो वोट कास्ट हुए 80%, इसका 56% जो है एक्स को मिलता है, और वो 1440 वोट से जीत जाता है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि वोटर लिस्ट जो है उसमें टोटल 100x वोटर हैं। अब आपसे बोला गया है कि 80% वोटर ही जो है केवल वोट को कास्ट करते हैं, तो इसका 80% आप सिंपली निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 80x। अब जो 80x है ना, इसको हम 100% की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है ना। तो ये वो क्या बोल रहा है आपसे कि 56% है वो इसी का है, मतलब 56% वोट एक्स को मिलते हैं जितने भी वोट कास्ट होते हैं। तो वोट हमारे कास्ट कितने हुए, 80%, उसका 56% इसको मिलता है एक्स को, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 44.80x, यानी कि इतने वोट जो है एक्स को मिलते हैं। अगर 56% एक्स को मिलता है, तो बाकी के जो वोट 44% बच जाते हैं वो किसको मिलेंगे, बाई को मिलेंगे। तो बाई के अगर 44% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 35.2x, यानी कि बाई को इतने वोट मिलते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक्स जीता है 1440 वोट से। तो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आप सिंपली निकालेंगे, क्योंकि देखिए एक्स को कितने वोट मिले हैं, 44.80x, बाई को कितने वोट मिले हैं, 35.0x, इसका माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9.6x, यानी कि इतने वोट से, 9.6x वोट से एक्स जीता है, क्योंकि उसको इतने वोट ज़्यादा मिले हैं, और हमें ये वैल्यू दे रखी है कि 9.6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1440। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। अब इसको ऊपर देखते हैं, देखिए 150 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोटर लिस्ट में टोटल कितने लोग रहेंगे, 100x थे, x की वैल्यू 150 है, तो ये हमारा 15,000 आ जाएगा। और अगर कितने लोगों ने वोट को कास्ट किया मतलब वोट दिया है, तो वो आया जाएगा 12,000, यहाँ पे जब 150 रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने वोटर्स टोटल वोटर लिस्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000। अगर ये पूछता कि कितने लोगों ने कास्ट किया है, तो आंसर हो जाता 12,000। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, और वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 1,000 से, जिसको अगर हम 6 से, 9 से, 12 से, 15 से, 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ये बात की जाए ना कि आपको इन सब से डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर, इसका मतलब क्या है कि आपको इसका एक कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका मतलब है कि आपको एक एलसीएम निकालना है ना। तो आप एलसीएम जब ले लेंगे, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सब से डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम हम आपको निकालना एक बार फिर से बता देते हैं, 12, 15 और 18। सिंपली आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 3, ये 9 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा, और ये 9 हो जाएगा। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3, ये 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा, और ये 9 ही रहेगा। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो ये 1, 3, 1, 5 और 3। फिर एक बार 3 से कर दीजिए, तो अभी ये हो जाएगा 1, 1, 1, 5 और 3। अब आपको क्या करना है, अब आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो अभी सारे देखो 1, 1, 1, 1 और 1 हो गया। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5।
जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180, है ना। तो अभी आपका एलसीएम 180 आ गया। अब आप 180 को इनमें से किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप 18 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे 15 से कर लीजिए, चाहे 12 से, सबसे ये डिवाइड हो जाएगा। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, और साथ में 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 3 छोड़ना है तो 180 प्लस 3 लिख दीजिए, यानी कि 183। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो आंसर है नहीं इसमें। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा है कि हमें नंबर भी ऐसा बताना है जो 1000 से ऊपर हो। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक फैक्टर, कि 180 हमारा बेसिक फैक्टर है, कि अब हमें क्या करना है, इसको 1000 से ऊपर ले जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से, कि ये 1000 के नियर कहाँ पे पहुँच रहा है। तो अगर देखिए हम इसमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 भी 1000 से ऊपर नहीं है, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1080 आएगा, है ना। अब ये 1000 के नियर बाई है नंबर, और इसमें हमें सिंपली 3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1083। और ये एक हमारा ऐसा नंबर होगा जिसमें आप इनमें से किसी से भी डिवाइड कर लीजिए तो आपको 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, अगर उसने हमसे ज़्यादा बड़ा नंबर पूछा है तो हमें सिंपली 2 3 4 5 ऐसे ट्राई करना है, जिससे हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। इसमें इस केस में उसने 1000 से ऊपर कहा था, तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को तो ये 1080 होगा और 3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एक मेथड जिसको आप टेक्निकली कर सकते हैं आराम से, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे 1063 है, आप सिंपली इसको क्या कीजिए, किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वो आंसर होगा, नहीं बचता है तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसको आप करते हैं तो 1 टाइम जाएगा और 0 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा इधर तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर 13 रिमाइंडर बचेगा, 3 तो रिमाइंडर नहीं आएगा इसमें, है ना। इसके बाद आप 1073 को ट्राई कीजिए। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। 1073 को आप ट्राई करेंगे, जैसे 1073, इसको भी आप 15 से डिवाइड करके देखिए, तो ये सॉरी यहाँ पे 9 बार जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जाएगा पहले तो, है ना। नहीं सॉरी, 9 टाइम क्यों जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 23 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। और 1 टाइम जाने के बाद इसमें क्या है, 8 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 8 भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर 1083 को आप फिर से इससे 15 से डिवाइड करके देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 33 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस केस में ही केवल 3 रिमाइंडर बचा है, आप इसी तरह से इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे 2 केस आ जाते हैं, एक तो जैसे ये हो गया, एक कोई और हो जिसमें भी 3 रिमाइंडर बच रहा हो, तो फिर आप अदर नंबर से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको, जिससे भी मतलब जैसे 2 ऑप्शन आपके पास आ गए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑप्शन और है, तो आपने इसको फिर मान लीजिए 18 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 3 आया, और इसको 18 से डिवाइड किया तो मान लीजिए रिमाइंडर 4 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्शन पहले बार में ही आ जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर सी आएगा, आप कैसे भी ट्राई कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू। तो जो क्यू है वो पी के डिजिट को इंटरचेंज करने से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास पी की वैल्यू ए बी है, ठीक है, पी की वैल्यू आपके पास ए बी है, तो क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी वी ए, है ना, इस तरीके से। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास इनका जो है मल्टीप्लाई दे रखा है, पी क्रॉस क्यू आपको दे रखा है, जो कि है 2430। तो आपको पी और क्यू में कितना डिफरेंस है वो बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ पहले तो,
फिर इसका जो मेथड होता है उससे बताते हैं। देखिए, जो इसका फर्स्ट तरीका है सिंपली, उसको आप कैसे कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू का जो मल्टीप्लाई है वो 2430 है और इनका डिफरेंस जो है मैं बताना है। तो अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो 9 के मल्टीप्लाई में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, 9, 18, 27 और 45। और हमें मल्टीप्लाई चाहिए कितना, लास्ट में 0 है। तो देखिए, जब भी लास्ट में 0 आएगा तो ये तो आप श्योर हो जाइए कि एक तो 5 या 0 रहेगा, लेकिन हम 5 मान के चलते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस भी करना है, तो 5 का होना बहुत ज़रूरी है। और इस ऐसा इसलिए भी, जैसे मान लीजिए आपने 10 ले लिया तो 10 का उल्टा 0 1 हो जाएगा। इस केस में तो चलो ठीक है, आपका डिफरेंस 9 आ रहा है, लेकिन अगर आप 20 ले लेते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 2, तो इस केस में 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है 0 वाली, और एक पॉसिबिलिटी है 5 वाली, लेकिन हम इसको 5 लेके करते हैं, बताएंगे आपको कि क्यों। ये देखिए, मान लीजिए हमें अब क्या करना है कि कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 25 ले लिया, तो 25 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 52। तो इसमें पॉसिबल हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई आ जाए। तो अभी क्या करेंगे, इसका डिफरेंस तो अभी नहीं देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई ही देख लेते हैं। तो अगर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 5 25 125, 130, यानी कि 1300 ये आ गया। अगर ये 1300 आया है तो इसका मतलब हमें इससे कहीं ज़्यादा चाहिए अभी, यानी कि और आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि 35 × 53 कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या ट्राई कर सकते हैं इसके बाद, 45 × 54, है ना। सिंपली जब भी 9 का डिफरेंस रहेगा, आप 5 एक लास्ट में कोई भी ले लीजिए, आप 15 से लेकर के 95 तक सिंपली ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई आराम से आ जाएगा आपका, क्योंकि 0 है तो वैसे भी आपका ये जो मतलब जहाँ पे ये ऑड नंबर आएगा ना, 3, जैसे 3 1 3 5 7, तो वो तो आपको वैसे भी निगलेक्ट हो जाएंगे 9, क्योंकि उससे आपका 0 तो लास्ट में आएगा ही नहीं। तो अभी ये केस बचता है, तो इसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 3 2 4, हाँ ये आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा इसका मल्टीप्लाई इतना आ रहा है, तो अब हम सिंपली जब मल्टीप्लाई इतना आ रहा है तो नंबर यही होगा, और इसको हम जब डिफरेंस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर सिंपली 9 हो जाएगा, है ना। अब डिफरेंस 9 है, इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर डिफरेंस 9 है तो इसको क्यों नहीं किया मैंने, मैंने आपको ये 0 वाला क्यों नहीं बताया था, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, इसका जो मल्टीप्लाई है ना, ये बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे आप मान लीजिए उसको करते हैं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, 0 वाले को जब आप लेंगे तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब 0 को लेंगे, मान लीजिए 9 का मल्टीप्लाई चाहिए तो वो आपका 50 आएगा, है ना। 9 का अगर आपको मल्टीप्लाई चाहिए तो इसका मतलब है वो 50 आएगा, 50 और 5 आप लेंगे, और 50 और 5 के 9 के जो डिफरेंस आपको लाना है, 9 के डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 10 और 1 है, यहाँ से आपका 9 का डिफरेंस आएगा, इससे हमने चूंकि निकाल लिया ना, तो 10 और 1 में तो आप देखिए कि पहले तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, है ना, तो यहाँ पे ही आपकी बात गलत हो जाती है। और मान लीजिए कि एक बार किसी तरीके से वो उसने ऐसे नहीं बोला, बस उसने जस्ट बोला है कि इसका अपोजिट है, 2 डिजिट का है या नहीं वो पता नहीं, तो आप मान लीजिए इसको करेंगे तो 9 आ रहा है तो ये 10 ही आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप 50 को भी ले लेते हैं तो अपोजिट में क्या आएगा, 5, तो 250 आएगा। तो इनका जो सम है ना, 3 डिजिट में भी ढंग से नहीं, मतलब 4 डिजिट में तो पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी डिजिट 4 डिजिट से ज़्यादा हो तो हमेशा आप जो है सिंपली 5 जो लास्ट में रहता है उसको लेके ट्राई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से, कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, ट्रेडिशन इसका जो है ट्रेडिशनल मेथड अच्छा होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान देखो आपको 5 तो इस केस में भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो आप इसको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो 5 तो आपको लास्ट में एक मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे 5 मान लीजिए, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, तो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, ये x5 वो 5x। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x + 5। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसको सिंपली ऐड करेंगे ना तो ये वही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी वैल्यू 55 है
है ना, इसकी वैल्यू 55 है। तो अभी यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू क्या मान ली, 5। आप इसको जब एक्स की वैल्यू 5 पुटअप करेंगे इधर पे, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, इसको आप सिंपली ये मानिए कि एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 50, जब एक्स की वैल्यू 5 रखोगे और ये 5, तो ये आपका अल्टीमेटली 55 ही आ जाएगा। तो इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी की वैल्यू अब हमारी हो जाएगी 10x+5 और क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50+x, है ना। तो ये हमारी पी और क्यू की वैल्यू हो गई। हमें मल्टीप्लाई दिया है और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इसका निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका एक जो फॉर्मूले होते हैं पी माइनस क्यू का स्क्वायर करके, नहीं इसको सॉरी पी माइनस क्यू का स्क्वायर क्यों करेंगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका 2430 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 10x+5 इंटू 50+x इज इक्वल टू 2430। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 500x+250+10x² + 5x = 2430। अब देखिए आप ये आपका जो पूरा है वो हो जाएगा 10x² + 505x, और इसको भी आप इस साइड ले आइए तो ये आपका 430 इसमें से चला जाएगा, तो 150 180 बच जाएगा, यानी 2180। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू आएगी आपकी एक्स की यहाँ पे से वैल्यू निकल के आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी यहाँ से, तो देखिए एक्स की वैल्यू जो आपकी यहाँ से निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 4 ना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 निकल के आएगी, जब आप उसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है, थोड़ा लंबा होता है लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपके पास दो नंबर हैं पी और क्यू, पी को प्राइम नंबर बोला गया है और क्यू को कंपोजिट नंबर बोला गया है। आपसे पूछा यह गया है कि आपको ये बताना है कि पी और, आपसे तीन स्टेटमेंट पूछे गए हैं, आपको उसके आंसर देने हैं। तो देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट और कैसे हमें इसको करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर एक्चुअली क्या होते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वो ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, वो बस केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, है ना। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर होते हैं, है ना। अब जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि हमारा 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 इस तरीके से, है ना। तो ये दो पहले आपको पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा क्या है कि P और Q को अगर हम क्रॉस कर दें तो क्या ये एक ऑड नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, यहाँ पे पूछा है कैन वी, मतलब श्योरली नहीं बोला है कि क्या ये ऑड नंबर हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी है। तो लेट्स ट्राई, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या कोई नंबर ऑड आ सकता है। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, इसको करेंगे तो भी इवन आ जाएगा, इसको करेंगे तो भी इवन आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 3 और 9 को करेंगे तो इवन नहीं आएगा, यानी कि 3 और 9 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। ठीक उसी प्रकार से 3 और अगर 15 को करेंगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि हाँ पी और क्यू का जो क्रॉस है वो एक ऑड नंबर हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया। अभी चलते हैं स्टेटमेंट 2 की साइड। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है हमसे कि जो Q है यानी कि कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर से अगर डिवाइड किए हैं करेंगे तो प्राइम नंबर आ सकता है। लेट्स ट्राई, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, हाँ ये एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर मान लो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो भी 3 आ रहा है, ये भी एक प्राइम नंबर है। या फिर 9 को मान लीजिए 3 से डिवाइड कर दिया तो भी 3 आ रहा है।
इस केस में आप देखिए 9 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो ये एक इन रेस मतलब ये एक रैशनल नंबर आ रहा है ना। तो उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि कुछ नंबर तो एटलीस्ट प्राइम होंगे, सारे तो उसने नहीं बोला, इसीलिए उसने क्या लगाया है, कैन बी। हाँ तो ये भी सही हो जाएगा कि इट कैन बी द प्राइम नंबर। और ये जो थर्ड है ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये पी वाई क्यू नहीं है, ये पी प्लस क्यू है, यानी कि ये जो है हमारा पी प्लस क्यू को पूछ रहा है वो कि क्या पी प्लस क्यू भी एक जो है हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। तो देखते हैं ट्राई करके। अब देखिए पी प्लस क्यू को ऐड करना है और हमें ये बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर होगा या नहीं। तो मान लीजिए 4 और 3 को हम ऐड कर दें, 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये क्यू की वैल्यू हो गई और ये पी की वैल्यू हो गई, तो ये 7 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर हम मान लीजिए 6 और 5 को भी ऐड कर दें, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 11 आएगा, तो भी एक प्राइम नंबर आ रहा है। यानी कि देखिए इसमें प्राइम नंबर के अलावा भी नंबर आएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा जो कि कंपोजिट नंबर है। लेकिन उसने अगेन फिर से आपसे क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी पूछी है, तो हाँ ये भी एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि आपके पास दो कंटेनर हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स में 100 मिली लीटर जो है वो मिल्क है, कंटेनर है आपके पास एक्स और एक कंटेनर है वाई, ठीक है। एक्स में जो है 100 मिली लीटर मिल्क है और इसमें 100 मिली लीटर वाटर है। अब इन्होंने आपसे क्या बोला है कि पहले 20 मिलीलीटर मिल्क जो है एक्स से वाई में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 20 मिलीलीटर जो मिक्सचर है वाई का मतलब मिल्क और वाटर का, वो वापस एक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। आपसे पूछा ये गया है कि एम जो है प्रोपोर्शन दिखाता है, एम का मतलब यहाँ पे है कि मिल्क का प्रोपोर्शन दिखा रहा है एक्स में, कि एक्स में कितना मिल्क है, और एन दिखा रहा है, इसको हम इधर नहीं, इसको हम इधर ही लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कि यहाँ पे जो हमारे पास है एम, एम दिखा रहा है कि इसमें मिल्क का प्रोपोर्शन क्या है एक्स में, और यहाँ पे जो एन है वो दिखा रहा है कि वाई में वाटर का प्रोपोर्शन क्या है। इन दोनों को में क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। तो देखिए अब क्या होगा कि सबसे पहले जब आप 20 मिलीलीटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, बाई के पास हो जाएगा टोटल लिक्विड 120 मिलीलीटर। इस 120 मिलीलीटर में अगर आप देखेंगे तो 20 जो मिलीलीटर है वो किसका है, मिल्क होगा, और टोटल कितना है 120, यानी कि मिल्क का जो रेशियो है वो 1:6 हो जाएगा इस मिक्सचर में, ठीक है। ये हमारा मिल्क हो गया, और इसमें जो वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी, वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वाटर अभी 100 मिलीलीटर है और टोटल 120 है, तो वाटर हो जाएगा 5/6, ये हमारा इसमें वाटर है, इस कंटेंट में ये वाटर का रेशियो है। और यहाँ पे हमारा कितना कंटेंट बच गया है, 80 मिली लीटर। अब क्या बोल रहा है कि इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम वापस 20 मिलीलीटर इसमें डाल देते हैं। अब देखिए जब 20 मिलीलीटर यहाँ से जाएगा तो वो 20 मिलीलीटर केवल मिल्क हो नहीं होगा और केवल वाटर नहीं होगा, तो उसका क्या प्रपोर्शन है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए 80 मिलीलीटर तो यहाँ पे मिल्क है ही, 80 मिलीलीटर मिल्क है, प्लस इसमें और कितना मिल्क आएगा, मिल्क का रेशियो हमने देखा अभी कि 1:6 है, तो 1:6 × 20, तो इतना जो है टोटल मिल्क आ जाएगा, और हमसे यही मिल्क पूछा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा 24 250/3 मिलीलीटर मिल्क आ जाएगा इसमें एक्स में। बाई में हमसे वाटर पूछा है, तो देखिए वाटर का जो रेशियो है पूरे में दैट इज़ 5/6, लेकिन अभी वाटर हमारे पास कितना है, केवल 100 मिलीलीटर बचा है ना, पहले 120 था अभी 100 मिलीलीटर बचा है। तो 100 मिलीलीटर में वाटर का कंटेंट कितना हो जाएगा वो हमें देखना है, तो उसका रेशियो आएगा 5:6, क्योंकि वाटर का जो कंटेंट है उसमें वो 5/6 है, मतलब 6 भाग में से 5 भाग वाटर है, एक भाग जो है वो मिल्क है।
तो अब जब हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 50 और ये आ जाएगा 3, यानी कि ये भी हमारा 250 अपॉन 3 आएगा मिलीलीटर, और ये हमारा है क्या वाटर। तो इसको उसने दिखाया है एम से और इसको दिखाया है एन से, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एन, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आंसर किस में मैच कर रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। कि ये क्वेश्चन जो हमारा है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है, इसको कैसे करेंगे समझते हैं। इन्होंने ये बोला है कि आपके पास पांच लोग हैं, पांच आइटम हैं हाउस होल्ड के, जिस पे कुछ उनका जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है पाई चार्ट के बेसिस पे। ये देखिए इसको 90 डिग्री पढ़िए, ये 50 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 75 डिग्री, यानी कि बी सी डी ई की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है और ए की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें किस में बताना है, परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पाई में दिया है तो हम पाई को निकाल लेते हैं। देखिए पाई चार्ट का मतलब होता है एक पूरा सर्किल, इस तरीके से इस सर्किल का एंगल हो जाएगा 360, क्योंकि जब हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है तो हम बोलते हैं कि 180 एंगल है, और उस स्ट्रेट लाइन पे भी आप ऐसे 180 आता है, और आप जब आप घूम के पूरा आ रहे हो तो ये 360 हो जाएगा। तो 360 एंगल होता है एक पाई चार्ट पे। अब देखिए अगर 360 होता है तो ए प्लस 90 प्लस 50 प्लस 45 और प्लस 75, आप जब इन सब को जोड़ के 360 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 100 डिग्री। अब बस हमारे पास केवल इतना सा टास्क है कि इस डिग्री को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए जब हम पाई चार्ट को हमने बोला आपसे कि डिग्री में दिखाएंगे तो 360 दिखाएंगे, लेकिन परसेंटेज में इसी पाई चार्ट को कितना बोलेंगे, परसेंटेज तो मैक्सिमम कितना होगा किसी चीज़ का 100%, तो हम इसको 100% से दिखाएंगे। इसका मतलब कि जो 360 डिग्री है वो हमारे 100% के बराबर है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री हमारा कितने परसेंटाइल के बराबर हो जाएगा, 100 अपॉन 360 परसेंटाइल के बराबर, और हमें चूंकि कितना चाहिए 100 है ना, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो जो हमारा 100 डिग्री है वो हमारे 100 इंटू 100 अपॉन 360 इतना परसेंटेज हमारा हो जाएगा। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, ये 5 आएगा और ये हमारा आ जाएगा 18, और फिर इसको देंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 9, तो हमारा जो है 250 अपॉन 9% आ जाएगा। इतना परसेंटेज जो है वो हाउस होल्ड के आइटम ए पे एक्सपेंडिचर होगा, और हमारा आंसर इस हिसाब से हो जाएगा कौन सा, दिल्ली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे एक मल्टीप्लिकेशन दे रखा है बहुत बड़ा, और हमसे ये पूछा है, देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, ये 3 की पावर m है, m इंटू n, n सेपरेट है। आपसे ये बोला गया कि 15 से लेकर के जब आप 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है इसके बराबर आ जाता है 3 की पावर m इंटू n, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू m की कितनी हो सकती है, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं पहले, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, उसके बाद 4, 3 और 2 और 1। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि 3 की पावर कहाँ पे आएगा, तो देखिए 1 3 तो इधर से आ जाएगा, 1 3 इसमें से आ जाएगा, 1 जो 3 है वो इसमें से आ जाएगा, इसमें से 2 3 आएंगे, इसमें से 1 3 आएगा, इसमें से, एक मिनट इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा समझने में, ठीक है ना। तो जो है हमारा ये देखिए, यहाँ पे भी आपको 1 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 3 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है 2 3 मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से 1 3 मिलेगा, और यहाँ पे भी 1 3 मिलेगा।
एक थ्री का मतलब थ्री की पावर वन, यहाँ पे क्या है थ्री इंटू टू लिख सकते हैं इसको, तो वन पावर आएगी, इसको थ्री इंटू थ्री तो टू पावर आ जाएगी, इसको फोर इंटू थ्री तो वन, तो इस तरीके से हमारा देखा जाए तो सिक्स पावर तो हमारा ये पहले हो ही गया है, सिक्स हो गया, यानी कि ये तो काम से गया, बस ये देखना है कि सेवन हो सकता है क्या, तो सिक्स तो हमारा हो गया। अब आप इसके बाद देखिए, इसमें देखिए जब हमें थ्री की पावर लानी है तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमारा थ्री के फॉर्म में आना चाहिए। अब हमारे पास जो रिमाइनिंग है वो है फाइव, फोर्टीन, थर्टीन, फोर, इलेवन, टेन, एट, सेवन, टू, फाइव, फोर, टू और वन। अब आप देखिए कि किसी को भी मल्टीप्लाई करने से क्या थ्री का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जैसे फाइव को आप फोर्टीन में करेंगे तो ये सेवेंटी आएगा, सेवेंटी में थ्री का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और ये थर्टीन है फोर करोगे तो भी नहीं आएगा, टेन का एट में करोगे एट्टी आएगा नहीं आएगा, टू का फाइव में फोर में, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, अब आपको थ्री का मल्टीप्लिकेशन और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी एम की वो हमारी सिंपली कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और किसी भी तरीके से थ्री का जो है फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर सिंपली सिक्स हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि एक सीक्वेंस दे रखा है और इसमें एक्स की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए सबसे मैंने आपसे बोला था सीक्वेंस है, तो आप हमेशा सीक्वेंस में दो ही चीज़ें फॉलो करना है, एक तो आपको डिफरेंस देखना है, दूसरा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस या एडिशन, उनसे ही सीक्वेंस जो है आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा कितना भी डिफिकल्ट सीक्वेंस हो। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे डिफरेंस वाले मेथड से, 36, 80, 150 और x, हम इसको सिंपली डिफरेंस करते हैं तो ये हमारा 10 आ जाता है, ये हमारा जो है 24 आ जाता है, उसके बाद जब हम इसको डिफरेंस करते हैं तो ये हमारा एक मिनट सॉरी ये 24 आ जाएगा, ये जो है हमारा 44 आ जाएगा, और ये हमारा 70 आएगा, और ये हमारा सिंपली x माइनस 150 आ जाएगा। अब देखिए अभी भी कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसमें हमने 14 ऐड किया, इसमें फिर हमने 20 ऐड किया, और फिर इसमें हमने कितना ऐड किया 26, वैसे तो एक सीक्वेंस बन रहा है कि इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं 14, इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं 20, इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं 26, तो इस सीक्वेंस से इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 32, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये एक हिसाब से 32 हमें इसमें ऐड करना है तो ये मिल जाएगा। तो हमें हमें क्या करना है कि 70 में सिंपली 32 ऐड करना है, तो ये हमारा x माइनस 150 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आप x को क्या करेंगे, 150 को साइड भेज दिए तो x की वैल्यू 70 प्लस 32 प्लस 150, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 252। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में ही 252 है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा है जानते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास एक नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है, एक वॉवल से और एक कॉन्सोनेंट आपको लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, और आपको उनका यूज करके एक पासवर्ड बनाना है, यानी कि नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वन से लेकर के नाइन तक होगा, वॉवल्स तो आप जानते ही हैं कि फाइव हो जाएंगे और कॉन्सोनेंट जो है वो 21 हो जाएंगे, यानी कि ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हमें एक पासवर्ड बनाना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि पासवर्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये स्टार्ट होना चाहिए वॉवल से, एंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट पे, तो ऐसे कितने पासवर्ड जनरेट किए जा सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा है कि आपको जो है ये पासवर्ड जो है आपका, इसको हम जो है क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम जो है बॉबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा पहले प्लेस पे बॉबल्स आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा,
ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें लेकर के यूज करना है और एक पासवर्ड बनाना है। और यहाँ पे फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे कोई डिजिट आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस तरीके से रख सकते हैं इन सीक्वेंस को, क्योंकि यहाँ पे बॉबल है, यानी कि यहाँ पे आने की, किसी भी डिजिट को आने की 5 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे 1 से 9 तक है तो उसके पास 9 पॉसिबिलिटी हैं, और कॉन्सोनेंट 21 है तो उसके पास 21 पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो 945 आ जाएगा। अब देखिए आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है कि आपके पास जितनी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं है डिजिट का कोई भी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसको कैसे किया, उसको समझने के लिए आप सिंपली मान लीजिए बॉबल्स में से आप ए चूज कर लेते हैं और डिजिट में 1 ले लेते हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आपके पास देखिए 21 पॉसिबिलिटी हैं कि आप बी सी डी ऐसे जेड तक जा सकते हैं। इसके बाद आप 1 की जगह 2 लीजिए तो फिर से आपके पास 21 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो देखिए 21 ये पॉसिबिलिटी आपके पास पूरे 9 टाइम्स तक आएंगी, और फिर यही सारी पॉसिबिलिटी आप सोचो ए के साथ हो रही है, मतलब ए अभी है तो ए के साथ आपको ए को 1 मान लीजिए तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी, और हर 9 पॉसिबिलिटी के साथ आपको 21 पॉसिबिलिटी मिल रही है, यानी कि आप 21 को 9 टाइम्स जोड़ दीजिए सिंपली, है ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ये एक केस हो गया। अभी ये ए के साथ हो गया, अब मान लीजिए ए के बाद हम ई ले लेते हैं तो ई के साथ भी क्या होगा, पहले 1 आएगा उसके बाद फिर 27 सिचुएशन, ऐसा ही फिर 2 आएगा फिर 27 सिचुएशन, तो 9 तक फिर 27 नहीं 21 सिचुएशन आएंगी। तो इस तरीके से वो भी 21 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ऐसा कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा अगर 5 टाइम्स होगा तो सिंपली है कि हम इसको बेटर है कि मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर है, और हमने भी क्या किया, वही किया है। तो यही तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे वॉवल्स आने हैं जो हमारे पास 5 हैं, तो सिंपली हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे प्लेस पे हमारे 1 से 9 तक डिजिट आने हैं तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 9 डिजिट हैं, और यहाँ पे 21 कॉन्सोनेंट हैं, और बस इसका जो सिंपली आपका आएगा वो 945 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा चेन्नई। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो है ये बताना है कि क्या उनका जो सम है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा या नहीं, और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं ये देखना है हमें। देखिए इसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको कैसे लेने हैं। तो हमारे पास 3 जब हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं जब भी, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वो हमेशा x आप कॉमन लीजिए, और एक नंबर हो जाएगा x+1 और एक नंबर हो जाएगा x-1। तो हमसे सिंपली जो पूछा है हम वही कर देते हैं कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो इनका जो सम है x+1 + x + x-1 ये हमारा इक्वल होना चाहिए x x+1 और x-1 के, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ये तो सिंपली 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x x²-1, क्योंकि ये a+b और a-b है तो x x²-1 हो जाएगा। हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 3x = x³-x, तो ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x³-4x = 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x²-4 = 0। जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से x की 3 वैल्यू निकल के आएंगी, x = 0 इसकी वजह से, और इसकी वजह से x की वैल्यू निकल के आएगी +और -2। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो गई हैं, अब इनको चेक भी करना है कि ये सही हैं या नहीं है। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो उस समय आपके पास क्या डिजिट आ जाएंगे, -1, 0 और 1। तो अब देखिए इनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0, और सम करेंगे तो भी 0 आएगा। अब x की वैल्यू जब +2 रखते हैं तो उस समय ये क्या हो जाएगा, +2 रखने पे देखिए जब x की वैल्यू +2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो देखिए 6 आएगा और इनका सम भी 6 आएगा, और जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो उस समय ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो उस समय भी -6 और -6, यानी कि प्रोडक्ट -6 और सम जो है
वो भी -6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन की तीन पॉसिबिलिटी हो जाएंगी और हमारा जो आंसर है इसका सी हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर है यानी कि पॉइंट एक्स वाई, और ये एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब नॉन जीरो डिजिट आपको यूज़ करना है, यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब ये कि जब एक्स की वैल्यू 1 होगी उस समय वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी एट अ सेम टाइम। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से कितने नंबर इस फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। तो सिंपली है, सिंपल है कि देखिए 1 से 9 तक आप डिजिट ले सकते हैं क्योंकि आपको जीरो लेना नहीं है, और डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि जब आप यहाँ पे ये 9 जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक्स और वाई है ना, तो एक्स को 9 तरीके से लिख सकते हैं तो वाई को 8 तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 72। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम और क्या सीख सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भाई हमारे पास ऑप्शन तो 9 इसके लिए भी है, 9 इसके लिए भी है। समझाता हूँ, देखिए जब आपने बोला कि फर्स्ट डिजिट पे, उन्होंने ये बोला कि डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना, या फिर आप ये कह लीजिए कि डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एक्स की जगह पे 1 लिखा है तो आप वाई की जगह पे 1 नहीं लिख सकते किसी भी हालत में। तो अब सोचिए कि ए की जगह आपके पास ये एक ऑप्शन है 1, तो अब वाई की जगह पे आप केवल 8 ही ऑप्शन है आपके पास, यानी कि 2 से लेकर 9 तक। तो ये पहला केस हो गया, तो इस केस में आपके पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 8। इसके बाद जब आप 2 लिखेंगे तो उस केस में भी आपके साथ सेम ही होगा कि आपके पास अब 1 से लेकर 9 तक ऑप्शन होगा लेकिन 2 नहीं आ सकता है, तो फिर से आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप 3 को जब करेंगे तो उसमें भी आपके पास 1 से लेकर 9 तक रहेगा लेकिन आपके पास जो है 3 जो है नहीं आ सकता है, तो आपके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 8 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये 9 बार आएगा, तो ये आपका 72 हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे बोलता कि डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है या एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो सकती है, तो यही क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ना वो 9 × 9 हो जाता है, यानी कि 81 हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप 1 लिखते तो उस समय आप 1 यहाँ पे भी लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पे जब आप 1 लिख चुके हो तो आपके पास यहाँ पे 9 की 9 अपॉर्चुनिटी हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, और इस केस में चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए आपके पास केवल 8 ही ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 81 नहीं होगा, वो होगा 72, और ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपके पास एवरेज वेट है 3 लोगों का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज वेट है आपके पास 40 है। एवरेज का जब भी बात आती है तो अपॉन 3 करेंगे, यानी कि हम इससे ये बात कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस और सी का जो वेट है वो 120 है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि बी प्लस डी प्लस ई का जो एवरेज वेट है वो 42 kg है, यानी कि बी प्लस डी प्लस ई जो है हमारा ये 126 हो जाएगा। सिंपली ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये भी बोला गया है कि जो बी का वेट है वो एफ के वेट के बराबर है, और हमसे पूछा गया है कि इन सारों का एवरेज वेट क्या होगा, क्या हम इसको बता पाएंगे। तो देखते हैं, देखिए हमें सबका एवरेज वेट निकालना है, यानी कि ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, ये हमें चाहिए। देखिए ए बी सी का तो हमारे पास है कितना, 120, लेकिन ए बी सी तो हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे पास फिर डी ई एफ नहीं है, हमारे पास क्या है, डी ई तो है एफ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एफ हम कैसे ला सकते हैं, इसने बोला है कि बी की वैल्यू एफ के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी डी एफ, यानी कि हम इसको डी प्लस ई प्लस एफ भी बोल सकते हैं क्योंकि बी को हमने एफ से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास 126 हो जाएगा, तो ये कितना है, 126, और इसको हम सिंपली किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो गया 246 अपॉन 6,
यानी जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 41, यानी 41 केजी ऑप्शन है, और इससे हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो सी सेट 2022 को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सी सेट 2021। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमें टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, आपके डाउट को एड्रेस कर दिया जाएगा। थैंक यू।